हेलो व्यूवर्स, कुकिंग विद सुमना में आप सबका स्वागत है। आज मैं लखनऊ की एक फेमस रेसिपी गलौटी कबाब बनाने वाली हूँ। यूं तो गलौटी कबाब मटन के बनते हैं, लेकिन आज मैं चिकन गलौटी कबाब बनाने वाली हूँ। गारंटी है कि यह रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। फटाफट रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। चिकन गलौटी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले चिकन कीमा लेना है और ये वजन से लगभग 750 ग्राम होंगे और इसे मैंने मिक्सी में बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। देखिए, इस तरह से हमें ब्लेंड कर लेना है जितना स्मूथ हो सके। उसके बाद मैं एक एक कर इसमें सारे चीज़ मिलाती जा रही हूँ। और यहाँ मैंने एक बड़ा प्याज फ्राई कर लिया है और करीब 10 से 12 आमंड फ्राई कर लिए हैं। इनका मैं एक पेस्ट बना ले रही हूँ। देखिए, जो मैंने ऑनियन फ्राई किया था वो इस तरह से बिना पानी डाले हमें उसका पेस्ट बना लेना है। इसे डाल दें। हरा धनिया के जो स्टेम होते हैं उसको लिया है इस तरह। 7-8 हरी मिर्च, हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार लें। और इसमें करीब 8-10 लहसुन की कलियां। इन सारी चीज़ों को बिना पानी डाले इसका मिक्सी में एक दरदरा सा पेस्ट बना लिया है। एक छोटा चम्मच तीखी लाल मिर्च, एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटा चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर लगभग 1.5 चम्मच, स्वाद के अनुसार नमक, अदरक लहसुन पेस्ट 2 चम्मच। यूँ तो गलौटी कबाब मटन के ही बनते हैं, पर चिकन में तो फैट नहीं है, इसलिए मैं इसमें एक अंडा डाल रही हूँ। और यदि आप अंडा नहीं खाते हैं या आपको अंडा से परहेज है तो इसके जगह पर आप 2 चम्मच देसी घी डाल दें। ये मैंने रोस्टेड बेसन लिया है, ये फिलहाल मैं इसमें 3 बड़े चम्मच डाल रही हूँ। और इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। करीब हमें इसे 5 से 7 मिनट तक इस तरह अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है ताकि जो जो मसाले डाले हैं हमने वो अच्छी तरह से चिकन में मिक्स हो जाए। इसे मिलाते हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं, इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब बारी आती है स्मोकी फ्लेवर देने की। उसके लिए इस तरह बीच में जगह बना ले। स्मोकी फ्लेवर देने के लिए दालचीनी का एक स्टिक ले लिया है और इसे गैस पर जला लेते हैं। इस तरह देखिए, स्टिक को मैंने गैस पर जला लिया है और इसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल दें और फटाफट एक फॉइल पेपर से इसे ढक दें। इस तरह इसे करीब 10 से 15 मिनट के लिए रखें। इसे रखे हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं, इसे हटा दें, इस कटोरी को निकाल दें। मैं इसमें हरा धनिया भी ऐड कर रही हूँ और इसे एक बार अच्छी तरह मिक्स कर लें। हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा ले। मिक्स हो गए हैं हरा धनिया, फिर से हाथों में थोड़ा सा तेल लगाएं, कबाब का सेक दे दें। इस तरह से इसे बनाकर रख लें और फिर हमें इसे फ्राई करना है। मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है और इसमें रिफाइंड ऑयल डाला है और थोड़ा सा मैं इसमें बटर ऐड करूंगी। ये जो कबाब जो मैंने बनाया है ना, इस पर ध्यान दें, ये बहुत ज़्यादा हमें मोटा नहीं रखना है, थोड़ा सा पतला रखें। ऑयल को अच्छी तरह गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें एक एक करके कबाब डालते जाए और गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल लो रखना है। हमें एकदम लो फ्लेम पर
धीरे धीरे पकने देना है। लगभग एक से डेढ़ मिनट हो जाएंगे एक साइड, फिर मैं इसे पलट दूंगी। और इसे पलट के दूसरी साइड भी हमें इसी तरह लो फ्लेम पर ही इसे पकाना है। आपको ये दिख रहा होगा जब मैंने इसे डाला था तो ये चपटे चपटे थे, अब देखिए ये फूल रहे हैं। इसे इसी तरह धीरे धीरे ही हमें पकाना है उलटते पुलटते, ताकि अंदर तक अच्छी तरह से ये पक जाए। कबाब हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, इसे निकाल ले लीजिए। कबाब बन गए हैं, चलिए इसे अब सर्व कर लेती हूँ। लीजिए हमारा गलौटी कबाब बनकर तैयार है। आपने देखा कितना आसानी से घर पर गलौटी कबाब बनकर तैयार हो गया है, और इसे मैं आज ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। हरी मिर्च को फ्राई कर लिया है, आपको मैं एक तोड़कर दिखा रही हूँ। देखिए अंदर बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं, बहुत अच्छी तरह से पक गए हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ढेर सारा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक खाते रहें और खिलाते रहें।